ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी लोग मन को एकाग्र करने के लिए तीन बार ओम की ध्वनि करेंगे। हम सभी एक ऐसे प्रोग्राम में एकत्रित हुए हैं जहां मन को सुकून मिलता है। ये दर ही है जिस दर पर सभी कहते हैं ये मेरा घर है। आज बाबा का जो दर है, ये दर इसको भाग्य बनाने की बैंक भी कहते हैं, इसको ईश्वरी बैंक भी कहते हैं। बड़ी खुशी होती है आज ये बाबा के विद्यालय पूरे विश्व में जन जन को संदेश देते हुए हर आत्मा के लिए एक ठिकाना बना हुआ है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं हर मनुष्य की पहली जरूरत क्या है, हर मनुष्य क्या चाहता है, शांति। क्या चाहते हैं? और शांति की जगह स्थान किसने ले लिया है? दो चीजों का, चिंता और भय। सच है, हम कितने भी अपने आप को सिक्योर करते हैं, कितना अपने आप में सुविधाएं जोड़ते हैं, सुरक्षा करते हैं, फिर भी अगर अपने आप से पूछें तो हर मनुष्य के जीवन में चिंता बढ़ती जा रही है और चिंता के साथ साथ भय भी बढ़ रहा है। कैसे भय बढ़ रहा है? अगर बच्चा बाहर गया है, अगर वो टाइम से थोड़ा सा लेट हो जाता है, मन में कैसे विचार चलते हैं? अच्छे चलते हैं? नेगेटिव चलते हैं। आज भगवान आकर के हम सबके जीवन में एक खुशी देना चाहता है, शांति देना चाहता है। क्योंकि हम भक्ति मार्ग में जब भी मंदिर जाते थे तो हम खाली हाथ नहीं जाते थे। क्या लेके जाते थे? फूल लेके जाते थे, लेके जाते थे। फूल के साथ साथ कोई फल भी, या नहीं तो फूल तो जरूर लेके जाते थे। लेकिन हम वो परंपरा से करते तो थे, लेकिन हम क्यों लेके जाते थे पता नहीं। जब हम बाबा के बनते हैं तो बाबा हमको फूल जैसा बनाने के लिए बोलता है। क्योंकि कहते हैं फूल बनकर मुस्कराना जिंदगी है, मुस्कराकर गम भुलाना
जिंदगी है। जीत कर मुस्कराए तो क्या बात, हार कर मुस्कराना भी जिंदगी है। किसी चीज में हमें सफलता मिलती है, हमारी मन के इच्छा अनुसार काम होते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं, वो खुशियाँ हम दूसरों के साथ मनाते हैं। लेकिन कहीं अगर असफल हो जाते हैं, जो चाहते हैं उसके अनुसार नहीं होता, तो मन क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। फूल जैसा बनने के लिए, फूल हमको यही सिखाता है कि जैसे फूल अगर हम मुर्दे पर भी डालते हैं तो उसकी अवस्था कैसी होती है, खिला हुआ ही रहता है। वही फूल अगर हम भगवान के ऊपर चढ़ा देते हैं तो भी उसकी वही अवस्था होती है।